देश में लगातार हो रही बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बंगाल में भी कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पिछले साल बाढ़ आई थी, उससे एक साल पहले भी बाढ़ आई थी और अगले साल भी बाढ़ आएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार से पूछें कि उन्होंने पिछले एक साल में बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया है, कितने बांधों की मरम्मत का काम किया गया है। एक साल तो कुछ नहीं होता और पैसा टीएमसी नेताओं की जेब में जाता है। देखिए ये खराब हो रहा है कि कोई सरकार की कोई प्लानिंग नहीं। पिछली बार भी बाढ़ हुआ था, उससे एक साल पहले भी बाढ़ हुआ था, आगे आने वाले साल में भी बाढ़ होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार को बोलिए कि लास्ट एक साल में बाढ़ को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने क्या प्लानिंग की है, कितने डैमों की, छोटे छोटे जो डैम होते हैं, रिवर बैंक जिसे बोलते हैं, वहां पे कितना रिपेयर का काम हुआ। आप किसी भी जिले में जाइए, वहां पे कैमरा लेके पहुंच जाइए, वहां पे लोग बैठते हैं, उनको पूछिए सरकार आती है यहाँ पे, बोले नहीं आती। रिपेयरमेंट होती है, नहीं होती। साल भर कुछ नहीं होता, पैसा सब आता है, सब पॉकेट में घुस जाता है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का।